हम लोग जो है आज बाय करने वाले हैं अपनी ड्रीम कार। सामने खड़ी है, रोज सुबह कपड़ा उतारते हैं। कार है कौन सी यार, ये भी देखना पड़ेगा। ये तो बहुत हरामी है यार, पेशाब निकला है बाबे। पेशाब निकला है क्योंकि मैंने लेके जानी है। अच्छा मसला ये साथ के इट्स नॉट अबाउट मनी, तू मना ना सुनील को। मनाते हैं मना ना, वो तो कह रहा है मैंने बेचनी नहीं। दोस्तों आज हम डक्की भाई के व्लॉग पर रिएक्शन करने वाले हैं जिसमें उन्होंने खरीदी है उनकी ड्रीम कार। टाइटल आई अबाउट माय ड्रीम कार, इमोशनल व्लॉग। भाई डक्की भाई के इमोशनल व्लॉग कम ही देखने को मिलते हैं। हाँ। और बहुत दिन भी हो गए थे डक्की भाई के व्लॉग्स पर रिएक्शन किए, और इस व्लॉग की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी भाई, टू बी ऑनेस्ट डक्की भाई फैंस की तरफ से बहुत रिक्वेस्ट थी। तो देख लेते हैं भाई क्या है इस व्लॉग में, शुरू करते हैं अभी। गो हेलो जी, We are back with another vlog. भाई आज बहुत स्पेशल दिन है मेरे लिए क्योंकि हम लोग जो है आज बाय करने वाले हैं अपनी ड्रीम कार। नो, मजाक नहीं हो रहा, आज के दिन आपका भाई कोई शुगर नहीं लगा रहा, मैं बहुत सीरियस हूँ। हम लोग फाइनली गाड़ी लेने वाले हैं आज। तो वेलकम बैक हो गया तुम सबका अनदर व्लॉग के अंदर। अगर अभी तक तुम लोगों ने डक्की भाई व्लॉगिंग ज्वाइन नहीं किया हुआ तो कर लो लाजमी, लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। सब्सक्राइब लाजमी करना है, आधे रात लोग तो सब्सक्राइब किए बगैर ही शुगर लगाते रहते हैं मेरी वीडियो में। सब्सक्राइब लाजमी करना है भाई, जितने भी लोग नए हैं मेरे ब्लॉग पर आएंगे, मेरी गारंटी है भाई। अब तुम लोगों को लग रहा होगा कि यार डक्की भाई हाँ कौन सी गाड़ी लेने जा रहे हो, कोई स्विफ्ट ले लोगे, कोई करोला ले लोगे, कोई स्पोर्टेज ले लोगे। ना वो गाड़ी ना 5 लाख की है ना 50 लाख की है, वो गाड़ी 5 करोड़ की है। हम लोग लेने वाले हैं ऑडी ई-ट्रॉन जीटी, ऑल इलेक्ट्रिक गाड़ी है, उसमें पेट्रोल नहीं डलता, टोटली बिजली से चलती है। और यकीन मानो वो मेरी ड्रीम कार है। अभी मुझे श्योर नहीं है कि आज हम लोग वो गाड़ी ले पाएंगे कि नहीं, क्योंकि मेरी सिटी में इस वक्त कोई भी सेल नहीं कर रहा, लेकिन हम लोग एक बंदे के पास जाने वाले हैं जिसके पास ही गाड़ी पड़ी हुई है ब्रांड न्यू। सुनील भाई हमें उनको ऑफर लगानी पड़ेगी, लेकिन लेट्स सी क्या होता है। ये वो सबसे पहली गाड़ी है जो मैंने चलाई थी, ये मेरे फादर की थी, तब मेरे पास पैसे नहीं हुआ करते है तो मैं जो हूँ यही चलाता था। मुझे ऑनेस्टली चलाने की इजाजत भी नहीं थी, मैं तो बस जाके जो है ना पकड़ के अक्सर चलाने निकल जाता था जब कोई भी नहीं देख रहा होता था। फिर मेहनत रात जगह मैं आंखें काली करवा के थोड़े से पैसे आए तो मैंने ले ली होंडा सिविक। मुझे अभी भी याद है जब मैंने ये गाड़ी ली थी मेरा बैंक बैलेंस टोटली जीरो हो गया था, और तब भी मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि यार मैं ब्रांड न्यू गाड़ी लूँ, लेकिन तब उतने पैसे नहीं थे तो मैंने यूज गाड़ी ली थी। 2021 अक्टूबर के अंदर मैंने ये 2019 का मॉडल लिया था, दिल पे पत्थर रख के मैंने ली थी, लेकिन अल्लाह ने साथ दिया, हम नहीं रुके, वी केप वर्किंग हार्ड, और अल्लाह ने तौफीक दी और हमने लेके दी अपनी मामा को ब्रांड न्यू शेंगन एल्सविन। यानी कि मैंने अपने घर वालों को ब्रांड न्यू गाड़ी ली थी, लेकिन मैंने अपने लिए यूज ही ली थी। और आज हम लोग अपनी YouTube की हिस्ट्री, यानी कि 6 साल हो गए मुझे YouTube करते हुए, और मैं पहली बार अपने ऊपर पैसे खर्च रहा हूँ। मैं नहीं खर्चता शर्टें ट्राउजर, ये जूते, ये नॉन ब्रांडेड मैं नहीं पहनता। तुम लोगों ने जिंदगी में मेरे बाजू पे घड़ी नहीं देखी होगी आज तक, जिंदगी में पहली बार मैं अपनी खुशी के लिए कोई चीज लेने वाला हूँ। घर में किसी को भी नहीं पता, ना मामा को, ना अरूप को, ना मुनीब को, किसी को भी नहीं पता, किसी को इतनी सी भी खबर नहीं है। इसलिए मैं बाहर आके जो है ना ड्राइंग रूम में आके जो है ना वीडियो बना रहा हूँ, इंट्रो वगैरह कर रहा हूँ, मेरा पसीने से बुरा हाल हो गया। निकलते हैं भाई। तुम क्या कर रही हो भाई, क्या डाल के रखा हुआ यार? सेटिंग कर रही थी कपड़ों की, क्या हुआ? कुछ नहीं, मैंने कहा भाई देखे तुम कर क्या रही हो भाई। कुछ भी नहीं। What about you? मैं जा रहा हूँ बस जुमा पढ़ने, जुमे का टाइम हो गया भाई, जुमे का टाइम हो गया 1:45 को जुमा होता है, 5 मिनट रह गए हैं बस। खैर मैं जुमा पढ़ के आता हूँ, तुम घर भी रहना ठीक है, शाम को फिर निकलते हैं खाना जाना खाने। फ्री हो ना? हाँ हाँ। घर भी रहना ठीक है, घर भी हूँ। अभी हम लोग जो है ना जुमा पर आते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है। अरे जुमा पढ़ने चलिए, हाँ वजू करिए, आज जल्दी मुंह हाथ धो लिया करो यार, अपने भाई का। मस्जिद बहुत प्यारी लगती है इनके एरिया की मुझे। टेंट लगा के इतने सारे लोग आ गए, भाई टेंट लगा लगा ज्यादा ही लगता है। बारिश का भी वगैरह पड़ लिया, और यहाँ पे जो है बॉयज भी आए हैं। आप लोग जी एक सरप्राइज है मेरे लिए, आप लोग मेरे पास, आप लोगों के लिए गैस करो। नई गाड़ी ले रहे हैं मुझे लगता है, किसी और टूर पे जा रहे होंगे, किसी और टूर पे भाई। एक सरप्राइज है, फिर कल वाला व्लॉग देखना बस। बस ठीक है, डन हो गया। ओके बड़ा तो सही बात बोल दी, बच्चे बहुत जानते हैं डक्की भाई को अच्छे से। तो जुमा हम लोगों ने पढ़ लिया था, अभी हमें जाना है बैंक, कैश अरेंज करना पड़ेगा। अब मुझे नहीं पता कि हो पाएगा या नहीं, वो बैंक जाके पता लगेगा। तो बैंक तो हम लोग पहुंच गए, अंदर जाके देखते हैं क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? तबीयत ठीक है आपकी? यार कैश मिल जाएगा, क्या करना है आपने? वो आप व्लॉग देखिएगा, वो आपको सरप्राइज, आपके लिए भी सरप्राइज। गाड़ी ले रहा हूँ, गाड़ी ले रहा हूँ, मैं देख के मिल जाएगा। मिल जाएगा। अच्छा चलो मैं वेट कर रहा हूँ, लें। ओके 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 ओके। वाले सलाम। ये ऐसे 50 और आ रहे हैं, ऐसे 50 और बाकी आ रहे हैं। चलो सही, ओके ओके ओके, करना पड़ेगा। कितने सारे, 5 करोड़ की कार है।
5 करोड़। बाबा जी कैसा है? आ गए हो, लॉन्ग टाइम नो। बंद कर दरवाजा, बंद कर दरवाजा, बंद कर। क्यों? हुई 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 हुई। ये कहाँ से चोरी किया? वो यार सारा कैश ले आए हो। बैग पड़ा। ऐसे पैसे तो हमने मूवीज में ही देखे हैं। रियल है? बैंक लूट के आए हैं यार। आपको किसने कहा है कैश लेके आओ? कैश पेमेंट हो गया तो बेस्ट हो जाएगा। इजी, ठीक है, मैं जो निकलता हूँ। हम लोग जो है ना बाबे को साथ लेके जा रहे हैं, क्योंकि गाड़ी लेने के बाद कोई तो होगा जो हमारी गाड़ी लेके आएगा वापस। नहीं हो रहा, ले रहे हो, प्रैंक तो नहीं कर रहे? नहीं नहीं, प्रैंक नहीं हो रहा भाई। लग रहा प्रैंक, जब वो पेपर साइन करोगे ना फिर मुझे यकीन होगा भाई। नहीं 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 नहीं, प्रैंक नहीं है। बाबा हमारी पुरानी वाली गाड़ी वापस ले आएगा और हम आएंगे इंशाल्लाह नई वाली पे। 1 hour later मुझे नहीं लगता कोई खोलेगा। वो तो कह रहा मैंने बेचनी नहीं है। वो बेचे नहीं, खुला है क्या? सब खोला है कि नहीं? बाहर गर्मी बड़ी, अंदर चल के काम करते, बात करते हैं। आई विल मेक इट वेरी शॉर्ट। देखिए मैं एक महीने से पीछे लगा हुआ हूं। ठीक है, ईट्रॉन 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 चाहिए, ईट्रॉन चाहिए। जीटी का मसला ये है, देखिए छोटे भाई हैं आप, लेकिन मसला ये है कि वो मैंने अभी चलाई नहीं, जब से ली है ना, मेरा ख्याल 300 किलोमीटर नहीं चली हुई। आपके पास आया भी इसलिए हूँ, मैं लेना चाह रहा हूँ न्यू, मैं आज लेना चाह रहा हूँ, तो आई वांट टू मेक श्योर कि मुझे आज चाहिए। ऐसे नहीं कि मुझे 3 महीने बाद मिलेगी तो 4 महीने बाद मिलेगी, नहीं। अच्छा, वो 3-4 महीने बाद भी नहीं मिलेगी क्योंकि LC के इशूज हैं और आपको ना दूसरा डॉलर ऊपर चला गया, इसीलिए लोग बेच नहीं रहे। तो आपके पास ऑलरेडी नई पड़ी हुई है, वो मुझे खबर हुई थी, आपने शायद चलाई भी नहीं है। अभी देख सकते हैं गाड़ी? हाँ बिल्कुल देख सकते हैं। आ जाए, सामने खड़ी है, रोज सुबह कपड़ा उतारते हैं, उतारे उसे। क्या गाड़ी है भाई, क्या गाड़ी है यार, ऑडी कौन जी, ये तो बहुत पेशाब निकला है बाबे। पेशाब निकला है। लाइटें देख, तू लाइटें देख, उतार ले पूरा। हाँ उतारे उतारे, रोज सुबह इसको उतार के दफ्तर जाने से पहले देख के फिर दफ्तर जाते हैं। अच्छा अच्छा, नंबर भी नहीं लगा हुआ अभी? नहीं यार, चलाई नहीं। तो भाई ये है ऑडी ईट्रॉन जीटी, टोटली न्यू कार है। आई थिंक सुनील भाई ने शायद एक बार चलाई होगी। अगर मैं ये फैक्ट्री से निकलवाने की कोशिश करता तो मुझे जो है ना काफी टाइम लग गया था, तकरीबन कोई 5-6 महीने भाई। लेकिन तुम सिर्फ एक बार लुक देखो, घूर रही है आपको भाई। अब तो यही लेनी है, ठीक है? उसको मना ना, सील को मनाते हैं, मनाते हैं, तुम मना ना। वो तो कह रहा मैंने बेचनी नहीं है भाई साहब। तो बाहर निकाल दूं? देखनी है आपने तो। हाँ आगे कर दो। हाँ हाँ, थोड़ी आगे कर ले। अब देखें आगे पीछे से आपको पूरी नजर आएगी, खास तौर मैं तो पीछे से, इसको मुझे इसकी शेप बड़ी पसंद है। ओए यार बाप, इधर यार ये देख भाई, क्या गाड़ी है, बहुत सेक्सी गाड़ी है यार। मैं शायद मैं आप लोगों को तो नहीं बताया हुआ, रोडों पे चल रही होती ही ना, मैं बस उसको फॉलो करता हूँ, चाहे वो दूसरे शहर ही क्यों ना जा रही हो। अच्छा मैं पहली बार इतने करीब से देख रहा हूँ, मैंने नहीं देखी थी वैसे। टेल एंड है ना, ये मुझे बहुत ही खूबसूरत लगता है, ये बम्पर। हाँ ये बैक से तो बहुत बड़ी, बैक से तो मेरे ऐसी है। पर ये कंट्री का जान ही रहा था क्या, मैंने सोचा था एक दफा, फिर मैंने कहा ये थोड़ी बिलो द बेल्ट हो जाएगी, अगर जवाब आ गए तो फिर की कराएंगे। नहीं नहीं कह रहा है, डक्की भाई का चैनल है, आंख चलता है। हरामी, हरामी। एक चीज दिखाऊं? हाँ। ऊपर देखो। ओ भाई कितना बड़ा भाई साहब, ये देखो ऊपर पूरी छत शीशे की है भाई, पूरी छत। पता नहीं कैमरे में फिट हो रहा है कि नहीं, लेकिन पूरी छत शीशे की है भाई। भाई ऐसा लग रहा है किसी जहाज में बड़ा स्पेसशिप है, पूरी न्यू है, इन्होंने स्टिकर भी नहीं उतारे भाई। ना उतारना ना, खुलता तो होगा मेरे ख्याल से। पूरी इलेक्ट्रिक कार है, मनाते हैं अभी इनको, मनाते हैं। अच्छा ये अच्छी बात यह है कि आपके पास स्पोर्ट्स कार भी हो जाएगी और आपके पास 4-सीटर कार भी हो जाएगी, फैमिली को भी बिठा सकते हो। और भाई भागती है, कोई 3-4 सेकंड के अंदर ये 100 मारती है यार, 100 यही लेके। और मैंने ब्रो मैंने सेविंग की है कसम से यार, मैं नहीं खर्चता ताकि मैं एक ही बार वो चीज लूं जो मुझे पता है कि यार मुझे चाहिए। आओ ना बात करते हैं उनके साथ, चलो ड्राइव मारें, आ जाओ। अच्छा सुनील भाई मैं आपको मतलब एक ऑफर देता हूँ, अगर आपको समझ में आता है तो ठीक है मुझे बता दीजिएगा, अगर आपको नहीं भी आता तो आप मुझे बता दें क्योंकि मैंने लेके जानी है। अच्छा मसला ये साथ कि इट्स नॉट अबाउट मनी, मेरे लिए गाड़ी के लिए पैसों का कोई इशू नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा जितनी खड़ी है वो इशू नहीं है, एक इमोशनल वैल्यू है। बट आई कैन स्टिल अंडरस्टैंड कि जिस एज में आप हैं इंसान को एक्साइटमेंट होती है, जब मैंने भी देखी थी मुझे रात को नींद नहीं आई थी, आप भी लग रहा है रात से सोई नहीं अभी तक। कैश भी रेडी है, सिर्फ पेपर एक साइन होना है। मैं आपसे कह रहा हूँ मैं पैसों का इशू नहीं है, मैं आपको चेक लिख देता, कोई इशू नहीं है आपके साथ मेरे पैसों की है वो बात नहीं है। आई रियली अप्रिशिएट कि आप माशाल्लाह अपनी हार्ड अर्न मनी से गाड़ी लेना चाह रहे हो, इसलिए मैं आपको गाड़ी दे देता हूँ, लेकिन एक ऑप्शन के साथ। ऑप्शन ये है कि जब भी आपने बेचनी है तो बाय बैक का जो पहला राइट ऑफ रिफ्यूजल मेरे पास होगा, जो मार्केट रेट होगा जब आप बेच रहे हैं, साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, मुझे फोन करके पूछेंगे यार सुनील भाई गाड़ी इतने की बिक रही है, पहला राइट आपका है। इफ आई रिफ्यूज आप बाहर दे देने, तो मुझे दे देना अभी आपको, मैं गाड़ी देता हूँ, डील डन। राइट ऑफ रिफ्यूजल मर्दाना वर्ड नहीं, मर्दाना हो गया भाई। इफ आई वांट टू सेल
जो शायद आई माइट नॉट बट लेकिन इफ आई वांट टू सेल लम्मी नसीब में थैंक यू सो मच थैंक यू जब भी डाल ले भाई ये बंदे के पास कितना पैसा होगा फिर वही मैं सोच रहा हूं यार कारों का कार कितनी सारी है अल्लाह का लाख लाख महंगी महंगी कार है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी डील डन हो चुकी है ये गाड़ी मेरे नाम हो चुकी है स्वेयर टू गॉड आज से अगर 6-7 साल पहले चले जाओ जिंदगी में कभी सोचा भी नहीं था थैंक यू यार मैं क्या बोलूं यार थैंक यू सो मच ठीक है अभी हम लोग घर चलते हैं सबको सरप्राइज देते हैं घर जाके सरप्राइज देंगे सबको भाई ये देखने में तो मजा आएगा भाई क्या गाड़ी ली उन्होंने पर डकी भाई को का फेस देख के सीरियसली लग रहा है भाई देख गाने सब्सक्राइबर्स से पहले तो इमोशनल है भाई वो थैंक यू अगर कोई तुम लोगों में से नया है तो वेलकम टू डकी भाई व्लॉग गैंग लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन लाजमी दबा देना ऑब्वियसली ये वाला जो व्लॉग है ये तभी डलेगा जब घर वालों को सरप्राइज मिल चुका होगा लेकिन इसका पार्ट टू कल आएगा मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा कि यार किस तरह से जो है ना सरप्राइज दें यही हो सकता है कि मैं घर से बाहर उनको बुला लूं बाकी तुम लोग गाड़ी देख सकते हो क्या कोई नेक्स्ट लेवल यार जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं ना मैं उन्हें कहना चाहूंगा कि यार कभी भी हिम्मत मत हारना आप जिस मर्जी फील्ड में हो मेहनत करते रहो अगर आपको अपनी मेहनत का सिला नहीं मिल रहा या कोई रिजल्ट्स नहीं मिल रहे तो टेंशन मत लो क्योंकि मैं गारंटी देता हूं कि तुम लोगों की जिंदगी में एक दिन आएगा जब तुम अपने सारे ख्वाब पूरे करके बोलोगे कि यार मुश्किल बहुत था नींदें हराम की कुर्बानियां बहुत दी लेकिन मजा आया क्या कार लग रही यार बहुत सही भाई डक्की भाई ने मोटिवेट भी कर दिया और सीरियसली यार इमोशनल भी कर दिया क्योंकि मैंने पहली बार डक्की भाई की आंख में इस तरह से आंसू देखे वो भी एक कार के लिए मतलब इसी से समझ सकते हैं अपन कि कितना वो चाहते थे उस कार को मतलब कितनी ज़्यादा उनकी फेवरेट और कितनी बड़ी ड्रीम कार होगी वो मतलब 5 करोड़ रुपए बहुत ही बड़ी रकम होती भाई और उन्होंने जैसा कि बताया कि बहुत टाइम से वो पैसे पहले कर रहे थे उन्होंने कभी खर्चा नहीं करा और उन्होंने बताया उन्होंने क्या वो मैं देखता भी हूँ उनके कई ब्लॉग देखे जिसमें अरूब उनको ब्रांडेड चीजें दिलाती है और वो कहते इतना महंगा ये वहाँ इतना सस्ता मिल जाएगा ये वो हाँ। तो वो कपड़े भी ज्यादा महंगे नहीं लेते हैं या फिर अब उन्होंने बताया मैं स्मार्ट वॉच नहीं पहनता हूँ ये वो करके तो ये बात तो देखी यार हमने और उनका ड्रीम जो है उनका शौक है जो कार का था और वो उन्होंने आज पूरा कर लिया बहुत बड़ी बात है भाई अपनी ड्रीम कार अपने लिए लेना और इतना बड़ा ड्रीम देखना ही बहुत बड़ी बात है और उससे अचीव करना तो फिर उससे ही बड़ी बात हो जाती है और उन्होंने करके दिखाया और हम देखते आ रहे हैं यार पहले वो रोस्टिंग करते थे रोस्टिंग में भी उन्होंने फाड़ दिया था और व्लॉगिंग करते व्लॉगिंग में भी फाड़ दिया भाई मतलब जब से ये व्लॉगिंग में उतरे अच्छे अच्छे व्लॉगर्स पीछे हो गए इनसे जो भी काम करते शिद्दत से करते भाई ये तो देखा है मैंने डक्की भाई का कार बहुत ही बढ़िया थी और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है जिनसे उन्होंने कार ली उनके पास कितना पैसा होगा भाई कारों का डेट लगा हुआ था सुनील भाई नाम था उनका और कारों का डेट लगा हुआ था उनके पास कितनी सारी कार थी वो बंदा भी शौकीन हो रहा और जो कार डक्की भाई ने ली उससे भी महंगी महंगी कार मुझे आसपास खड़ी हुई दिख रही थी भाई तो वो तो उनकी ड्रीम कार थी जो उन्होंने ली लेकिन उससे भी महंगी कार उनके पास थी स्पोर्ट्स कार है ऊपर से ईवी तो भाई कैसी भागती है और पेट्रोल की भी जरूरत नहीं यार तो सही है यार बस चार्ज वार्ज करो चलने दो बिल्कुल बताना दोस्तों आपको आज का व्लॉग कैसा लगा अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में टिल देन मेक लव नॉट वॉर